नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेखक हैं प्रगतिवाद के, उनके बारे में, केदारनाथ अग्रवाल। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना बनी रहती है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनसे जुड़ी ही जो भी जानकारियां हैं उनको देखने की। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं अग्रवाल जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी के अंदर बांदा में, ठीक है, बांदा के अंदर इनका जन्म हुआ था 1911 में। और इनकी अगर मृत्यु की हम लोग बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सन 2000 के अंदर, ठीक है, सन 2000 ईस्वी में इनका जो है देहांत हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर बात की जाए इनके आरंभिक दौर की, तो ये बालेंदु नाम से जो है वो रचनाएं लिखते थे आरंभिक दौर में। आरंभिक दौर की जो रचनाएं हैं इनकी वो हैं बालेंदु नाम से, ठीक है। तो ये तीन जानकारियां आप लोग याद रखें इनसे जुड़ी हुई। इसके बाद में हम लोग जानेंगे इनके जो रचनाएं हैं प्रमुख उनके बारे में, और एक एक करके इनकी रचनाओं को बताता हूँ कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। और रचनाएं इनकी सभी के सभी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी आधुनिक काल, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को, आधुनिक काल की एक एक रचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी के सभी रचनाएँ मैं आप लोगों को बताऊँगा, और उसके बाद मैं एक कहानी के माध्यम से सभी रचनाओं को याद करने की एक ट्रिक भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो रचना है उसका नाम है युग की गंगा, युग की गंगा 1947। उसके बाद में दूसरी रचना जिसका नाम है नींद के बादल, नींद के बादल, ये रचना भी 1947 की है। तीसरी रचना है जिसका नाम है लोक अलोक, लोक अलोक 1953 की रचना है लोक अलोक। उसके बाद में अगले फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 की रचना है ये। उसके बाद में पांचवी जो रचना है उसका नाम है आग का आईना, आग का आईना 1970 की रचना है। उसके बाद में छठी रचना है जिसका नाम है गुल मेहंदी, गुल मेहंदी 1978 की रचना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके बाद आठवीं रचना, माफ़ कीजिए सातवीं रचना जिसका नाम है पंख और पतवार, पंख और पतवार 1979 की रचना है। उसके बाद अगली रचना है जिसका नाम है बम्बई का रक्त स्नान, बम्बई का रक्त स्नान 1981 की रचना है। उसके बाद में नौवीं रचना है जिसका नाम है हे मेरे तुम, हे मेरे तुम, ये रचना भी 1981 की है। और उसके बाद में दसवीं रचना जिसका नाम है मार प्यार के थापे, मार प्यार के थापे, ये रचना जो है वो भी 1981 की ही रचना है ये भी, मार प्यार के थापे। चलिए उसके बाद में और जो रचनाएं हैं वो बात करते हैं। रचना नंबर 11 है, और जो 11वीं रचना है उसका नाम है कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, और ये 1983 की रचना है।
उसके बाद में बारहवीं रचना जिसका नाम है अपूर्वा, अपूर्वा 1984। तेरहवीं रचना नाम है जमुन जल तुम, जमुन जल तुम। और ये जो रचना है ये है 1984 की। अगली रचना है जिसका नाम है बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल। और ये जो रचना है ये है 85 की, 1985। उसके बाद अगली रचना है जिसका नाम है जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो शिलाएं तोड़ते हैं, 1985। और अगली रचना है जिसका नाम है आत्मगंध, आत्मगंध 1988। अगली रचना जिसका नाम है अनकही हरियाली, अनकही हरियाली, ये 1990 की रचना है। उसके बाद में अगली रचना है जिसका नाम है खुली आँखें खुली डैने, खुली आँखें खुली डैने, खुली आँखें खुले डैने, 1993 की रचना है ये। उसके बाद अगली रचना है पुष्पदीप, पुष्पदीप 1994 की रचना है। और उसके बाद में है आखिरी इनकी रचना जिसका नाम है वसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, वसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। और इसका जो रचना काल है वो है 1996। तो ये 20 रचनाएं हैं इनकी, और 20 की 20 रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ आधुनिक काल की जितनी भी रचनाएं होती हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। आधुनिक काल में कोई रचना स्किप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये रचनाएं जो है, एक तो मैं आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा इसमें से महत्वपूर्ण है उन रचनाओं पर एक बार निशान लगा देता हूँ, वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखिए युग की गंगा, नींद के बादल, लोक अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और ये जो है पंख और पतवार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपूर्वा ये बहुत महत्वपूर्ण है, बोले बोल अबोल जो शिलाएं तोड़ते हैं, और आत्मगंध। ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं जिन पर मैंने निशान लगाया है इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। बाकी मैं आप लोगों को ये 20 की 20 रचनाओं को याद कैसे कर सकते हैं आप लोग अगर याद करना चाहें तो, एक कहानी के रूप में पूरी ट्रिक बता देता हूँ। एक कहानी है, कहानी को अगर आप लोग 4-5 बार दोहरा लेंगे तो पूरी 20 रचनाएं आप लोगों को क्रम से याद हो जाएंगी। कहानी इस तरीके से है कि केदारनाथ की गंगा बादलों को चीरती हुई, छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, केदारनाथ की गंगा बादलों को चीरती हुई, बादलों को चीरती हुई लोक अलोक तक पहुंच जाती है, लोक अलोक तक पहुंच जाती है। वहां कोई उसे बताता है, वहां कोई उसे बताता है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, बताता है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। जब वह पीछे मुड़कर उसे आईने में देखती है, जब वह उसे आईने में देखती है और उससे गुल मेहंदी लाने को कहती है, देखती है तो उससे गुल मेहंदी
लाने को कहती है और साथ ही यह भी बताती है कि और साथ ही यह भी बताती है कि और साथ ही यह भी बताती है कि पंख और पतवार लेकर कि पंख और पतवार लेकर बम्बई से आई है। पंख और पतवार लेकर बम्बई से आई है। अगर तुम अगर तुम मेरे हो तो प्यार के थापे मारो। इतने में केदार जी वहाँ आ जाते हैं। इतने में केदार जी वहाँ आ जाते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं जो अपूर्वा को बुरा लग जाता है। सुनाते हैं जो अपूर्वा को बुरा लग जाता है। जो अपूर्वा को बुरा लग जाता है और वह जामुन की तरह जाता है और वह जामुन की तरह जल भुन जाती है। जल भुन जाती है और कहती है इतने बोल अबोल मत करो। और कहती है इतने बोल अबोल मत करो। इतने बोल अबोल मत करो क्योंकि जो शिलाएं तोड़ते हैं, क्योंकि जो शिलाएं तोड़ते हैं उनमें आत्मगंध नहीं आती। उनमें आत्मगंध नहीं आती। जो शिलाएं तोड़ते हैं उनमें आत्मगंध नहीं आती। उनके जीवन में हरियाली रहती है। उनके जीवन में हरियाली रहती है और उनकी खुली आंखें पुष्पदीप की तरह और उनकी खुली आंखें पुष्पदीप की तरह लगती हैं। और वे प्रसन्न पृथ्वी से नज़र आते हैं। और वे प्रसन्न पृथ्वी से नज़र आते हैं। तो ये पूरी एक कहानी है। इस कहानी को आप 4 से 5 बार अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी रचनाओं को आप लोग यहाँ पर याद कर पाएंगे और क्रम से आप लोगों को याद रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि क्रम से ये सारी की सारी रचनाएं आप लोगों को 20 की 20 आप लोगों को याद रहेगा। एक बार दोबारा से पूरी कहानी को दोहराता हूँ और दोहराने के बाद आपको बताऊँगा कैसे आप लोग इस कहानी से इन रचनाओं को याद करेंगे। देखिए, केदारनाथ की गंगा बादलों को चीरती हुई लोक अलोक तक पहुँच जाती है और वहाँ कोई उसे ये बताता है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं।
जब वह उसे आईने में देखती है तो उसे गुल मेहंदी लाने को कहती है, और साथ ही यह भी बताती है कि पंख और पतवार लेकर वो बम्बई से आई है। अगर तुम मेरे हो तो प्यार के थापे मारो। इतने में केदार जी वहाँ आ जाते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं, जो अपूर्वा को बुरा लग जाता है और वह जामुन की तरह जल भुन जाती है और कहती है, इतने बोल अबोल मत करो, क्योंकि जो सिलाएं तोड़ते हैं उनमें आत्मगंध नहीं आती, उनके जीवन में हरियाली रहती है और उनकी खुली आंखें पुष्पदीप की तरह लगती हैं और वे प्रसन्न पृथ्वी से नजर आते हैं। तो एक कहानी की तरह अगर आप लोग 4-5 बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी या टफ कहानी नहीं है। देखिए कैसे याद रखेंगे, केदारनाथ से आप लोगों को केदारनाथ अग्रवाल याद रहेगा, और गंगा से आप लोगों को युग की गंगा याद रखना है, बादलों से आप लोगों को नींद के बादल याद रखने हैं, उसके बाद में लोक अलोक से आप लोगों को लोक अलोक पूरा याद रहेगा, उसके बाद है फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना याद रहेगी आप लोगों को, और आईना से आपको याद रहेगा आग का आईना, गुल मेहंदी से गुल मेहंदी रचना याद रहेगी, उसके बाद में पंख और पतवार से पूरा पंख और पतवार आपको याद रहेगा, बम्बई से आप लोगों को याद रहेगा बम्बई का रक्त स्नान, और तुम मेरे हो इससे आपको याद रखना है हे मेरे तुम, ठीक है, और उसके बाद में प्यार के थापे, इसे याद रहेगा आपको मार प्यार के थापे, ठीक है, प्यार के थापे से आपको याद रहेगा मार प्यार के थापे, और उसके बाद में खरी खोटी, ठीक है, खरी खोटी से केदारनाथ जी आ जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं, तो इसे याद रहेगा केदारनाथ जी से और खरी खोटी से कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा से याद रहेगा अपूर्वा, और जामुन से आप लोगों को याद रहेगा जमुन जल तुम, और बोल अबोल से याद रहेगा बोले बोल अबोल, और जो शिलाएं तोड़ते हैं पूरी रचना याद रहेगी, आत्मगंध से आत्मगंध आपको याद रहेगी, साथ में आत्मगंध के बाद में आपकी अनकही हरियाली, हरियाली से याद रहेगा आपको अनकही हरियाली, और उनकी खुली आंखें, खुली आंखों से खुली आंखें खुली डैने याद रहेगा, पुष्पदीप से आपको याद रहेगा पुष्पदीप, और उसके बाद में प्रसन्न पृथ्वी से आपको याद रखना है वसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। इस प्रकार से कहानी के रूप में पूरी 20 की 20 रचनाएं आप लोगों को याद हो जाएंगी आसानी से। 4 से 5 बार पढ़ने की आवश्यकता है, बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, रटने से याद नहीं होंगी, कोई ना कोई सी रचना जरूर रह जाएगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से करेंगे तो सारी की सारी याद रह जाएंगी आपको। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने दोस्तों में इसको शेयर करने की, साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहती है, समय समय पर PDF वहाँ पर मिलती रहती हैं, और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर तो वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपके हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर अगले कवि के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।